हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं आलूदम। आलूदम बनाने के लिए सबसे छोटा छोटा आलू लेंगे, उसको छील लेंगे, छील कर धोकर फिर एक कुकर लेंगे। कुकर में सारे आलू को डालेंगे, टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन की कुछ कली डालेंगे, अदरक डालेंगे, काजू डालेंगे, लाल मिर्च डालकर एक कप पानी डालेंगे। अगर काजू ना भी हो तो भी चलेगा। और एक सीटी लगाएंगे। एक सीटी लगाने के बाद देख सकते हो आलू भी थोड़ा नरम हो गया है और प्याज टमाटर ये सभी पक चुका है, तो सभी को बाहर कर लेंगे। सारे इन सभी चीज़ों को निकाल लेंगे क्योंकि सब चीज़ों को बाद में पीसना है। और इसके पानी को भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि पानी बाद में हम यूज कर सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो एक करके सारी चीज़ों को अलग कर लेते हैं और फिर आलू को भी निकाल लेंगे ताकि आलू थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर यहाँ पे आलू निकाल लिए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल, इस पानी को हम बाद में यूज कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें आलू को फ्राई करेंगे। टमाटर के सारे छिलकों को हटा लेंगे और इसमें एक एक करके आलू डालकर फ्राई करेंगे। इधर मसाला भी पीस लेंगे। तब तक आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और आलू यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा, इलायची, लौंग ये सब डालकर थोड़ा पकाने के बाद फिर मसाला डालकर उसको भूनेंगे अच्छी तरह से। फिर उसमें एक एक करके सारे सूखे मसाले को ऐड करेंगे, जो पाउडर है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, नमक, ये सब चीज़ डालकर उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और एक कटोरा में तब तक दही फेंट लेंगे। दही में डालेंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सब चीज़ों को डालकर उसको अलग मिक्स करके तैयार कर लेंगे। इसमें तब तक ग्रेवी लगाने के लिए जो पानी बचा हुआ था वही पानी डालेंगे और आलू में फिर कांटे वाले चम्मच से छेद कर लेंगे ताकि उसके अंदर ग्रेवी जाए। और अब वो जो ग्रेवी था वो भून चुका था, उसमें सारे आलू को डालकर उसको थोड़ा देर ढककर पकाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना थिक ग्रेवी बना है। और फिर अब इसमें दही वाला जो पेस्ट तैयार किए थे वो डालकर थोड़ा देर उसको चलाएंगे, क्योंकि दही डालने के बाद लगातार चलाना होता है। और देख सकते हो कितना अच्छा आलू दम बनकर तैयार हुआ और खाने में बहुत टेस्टी है। आप लोग भी एक बार अपने घर पर ट्राई कीजिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।